अब हमारे साथ मौजूद हैं कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स डायरेक्टर महासिंह पुनिया जी। आइए उनसे जानते हैं कि महोत्सव में क्या कुछ खास है और उन्हें यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यहाँ जैसे मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में हरियाणा संस्कृति जो है, हरियाणा की संस्कृति, उसको दिखाया जा रहा है इस मेले में, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और पिछले एक साल से जो कोरोना काल में जो कलाकार जो बाहर नहीं जो है निकल पाए थे, उनके लिए ये हरियाणा सरकार और जो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और जो प्रयागराज आपका मतलब EZCC, उनकी तरफ से एक अच्छा प्रयास है। जो कलाकार हैं, हस्तशिल्पकार हैं, वो बाहर आए हैं और एक नई उम्मीद जो है जगी है कलाकारों को रोज़गार की। और इसमें अच्छी बात ये है कि जो स्वदेशी का जो भाव है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। हैंडमेड सारी चीज़ें हैं और हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए वर्तमान दौर में। इस तरह का प्रयास एक सार्थक प्रयास है। थैंक यू सर। तो आपका यूथ एंड कल्चरल जो अफेयर्स है वो कब कर रहा है स्टार्ट कार्यक्रम जो है दोबारा से फिर से? मैं आपकी सूचना के लिए बता देता हूँ, पूरे भारत में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने यूथ फेस्टिवल की शुरुआत की और वो शुरुआत हो चुकी है। उसी जो है शुरुआत की बदौलत लोगों ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया, ये भी उसी का परिणाम है। और जींद विश्वविद्यालय में भी यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है, वो भी उसी का परिणाम है। और भिवानी विश्वविद्यालय में जो है मतलब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में भी यूथ फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, वो भी इसी का परिणाम है। और अप्रैल में लास्ट वीक में हम इंटरजोनल फेस्टिवल उसकी शुरुआत कर रहे हैं और 22 तारीख को एक शाम शहीदों के नाम, और इसके अतिरिक्त बहुत से बड़े बड़े आयोजन हम करेंगे। जो है जगजीत सिंह को समर्पित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में गज़ल का कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी तो शुरुआत पूरे भारत में सबसे पहले हुई और ये सिलसिला निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहेगा और हम चाहेंगे जो हमारी कला और संस्कृति वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महासिंह पुनिया जी, जो कि हरियाणा की संस्कृति पे काफ़ी किताबें लिख चुके हैं। हमारे पीछे है बिन जोगी ग्रुप, जो कि साज ग्रुप है। अब हमें डॉक्टर महासिंह पुनिया जी ही बताएंगे कि उनके पास क्या क्या साज हैं और उनकी क्या महत्ता है, सब कुछ डॉक्टर महासिंह पुनिया जी हमें बताएंगे। देखिए, हरियाणा की धरती पर जो ये सपेरा जाति के लोग हैं, मूलतः ये नाथ परम्परा से संबंध रखते हैं और ये परम्परा पहले सांप पकड़ने का काम करते थे, वो धीरे धीरे आधुनिक दौर में वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कला को जीवित रखा और अपनी कला के माध्यम से ये सर्वाइव कर रहे हैं। और बहुत सुखद बात है कि चाहे बीन है, बांसुरी है, चाहे ढफली है, चाहे तुम्बा है, चाहे जो दूसरे नगाड़ा है, दूसरे वाद्य यंत्र हैं, सबके माध्यम से ये अपनी जो कला है उसको जीवित रख रहे हैं। और आप देखते हैं इनका जो नृत्य होता है, जैसे सांप चलता है बिल्कुल उसी तरीके से ये, और हरियाणा में बहुत ही कम गाँवों में ये जाति जो है पाई जाती है विशेष रूप से, और जो है मतलब जिला पानीपत के जो टिटाना गांव में और झज्जर के खातीवास में, विशेष करके फरीदाबाद के एक दो गांव में भी ये अपनी परंपरा को जीवित रख रहे हैं। इस तरह के मेलों के आयोजन के अवसर पर इनको बुलाकर एक रोजगार की नई परंपरा की शुरुआत हुई है और ये अपनी विधा के माध्यम से लोक पारंपरिक जो संगीत है उसको भी जीवित रख रहे हैं और इनको रोजगार भी मिल रहा है। तो इसी परंपरा की कड़ी में सबसे पहले आप ये देखते हैं, ये तुम्बा है, इसको गपचू भी बोलते हैं, और इसमें रबड़ लगी हुई है, इसके ऊपर ये लकड़ी की आप देख सकते हैं ये घुंघरू भी इसमें लगे हुए हैं और इसके अंदर जो आवाज़ है वो गूंज के आती है, वो आपको दिखाई दे रही है, तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और ये भी गुपचू है, ये उससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें प्लास्टिक लगी हुई है, लेकिन इसमें गो है, गो की जो खाल होती है पीछे वो लगी हुई है। ये घिया से बनता है, विशेष करके जैसे घिया का जो होता है ना उसी तरीके से बनता है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं ये डफली है, तो डफली बजाते हैं ये संगीत की स्वर लहरियों के साथ ही। और ये जो ढोल है जिसे आप नगाड़ा भी कह सकते हैं छोटा, तो उसी तरीके से ये बजाने का काम करते हैं। और ये नाथ परंपरा से आप देख रहे हैं कि ये बीन है और बहुत पुरानी बीन है, इस पे पैसे लगे हुए हैं पुराने। और ये शहद का जो होता है छत्ता होता है ना मधुमक्खियों का, ये उसका मोम लगा हुआ है और ये नक्सीरी के माध्यम से सांस लेते हैं। और ये देखिए अलग अलग इसमें दो ये सौर लहरियाँ होती हैं और ये इस टीम के मुख्य नाथ हैं जो आप देख सकते हैं, इन्होंने अपनी बीन को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो आपका जो माड़ होता है जिसमें मतलब शायद का छत्ता होता है, उससे जो मोम निकला हुआ है उससे ये जोड़ते हैं। और इसी परंपरा को ये अलग अलग तरीके से जो बीन है इसकी जो सवर लहरियाँ हैं, विशेष तरीके का जो संगीत है वो पैदा, देखिए ये वो सारा अलग अलग तरीके से पैदा करती हैं, ये इसकी खास विशेषता है। इसमें और भी वाद्य यंत्र ये ले सकते हैं, लेकिन मोटे रूप से 3-4 वाद्य यंत्र ये देखिए आप, बहुत ही अच्छे तरीके
ये वैसे तो गांव में सांप निकालने के लिए भी लोग बीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल समय बदल गया, विवाह के अवसर पर, आयोजनों के अवसर पर भी ये सारा ग्रुप आप इसको देख सकते हैं, ये सारा परंपरा, ये गपजू देख सकते हैं, ये विशेष वाद्य यंत्र है इस नाथ परंपरा का, ये अलग तरह की जो आवाज निकालता है, धुन निकालता है, ये इसकी खास विशेषता, इसमें गूंज से आवाज पैदा होती है, वो अपने आप में अद्भुत है, अनूठी है, निराली है। इसी तरीके से ये छोटी बीन है, ये मुख्य बीन थी और बजाते रहे आप, ये डफली है और डफली के साथ ही आप ये देखते हैं, ये चिमटा है, गोरखनाथ परंपरा का चिमटा है। तो इस प्रकार ये चिमटा है, डफली है, गपचू है, बीन है और नगाड़ा है, डफली, इनके माध्यम से ये एक अलग तरह की स्वर लहरियाँ पैदा होती हैं और ये आप देख सकते हैं कितना आनंद आ रहा है सुनने में। ये एक खास विशेषता है, आप देख सकते हैं कि हमारे डायरेक्टर साहब हैं गुड्डू भाई स्वरूप से, ये बहुत एक्सपर्ट, ये सब व्यक्ति इसे नहीं बजा सकते, तो ये बजा रहे हैं इसको, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को वाद्य यंत्र की जानकारी देने के लिए धन्यवाद। मांगे सिंह।